दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी आई जी वसीम चैनल में। कि आज की इस वीडियो में हम टेक्नो पोवा 3 के अमेजिंग जो टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी कमाल कमाल के बैकलिट फीचर वगैरह, फुल डिस्प्ले करने का ऑप्शन है यानी वॉइस चेंजर, यहाँ पे मतलब बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सारी जानकारी गाइस आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एंड गाइस ऐसे आप फ्री फायर को बड़ा कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए वीडियो को एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो दोस्त प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं होम स्क्रीन से ही। तो बेसिकली ये जो टेक्नो का लॉन्चर आता है वो नहीं है, ये हमने अलग से लॉन्चर डाउनलोड किया है एंड यही लॉन्चर इसमें स्मूथली परफॉर्म करता है। अगर इसका लॉन्चर आप यूज़ कीजिएगा तो वहाँ पे आपको काफ़ी बग्गी टाइप फील होगा, तो पोवा वालों को चाहिए कि थोड़ा और स्मूथ करें अपने सॉफ्टवेयर को। यहाँ पे गाइस प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा नथिंग लॉन्चर सर्च करेंगे एंड गाइस ये कुछ आपको बहुत ही कम एमबी में देखने को मिल जाता है। सिंपली इसको डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आप ये लॉन्चर को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ये देख सकते हैं काफ़ी फास्ट वर्क करता है, लेकिन वहीं पे अगर इसका लॉन्चर यूज़ कीजिएगा तो आप नीचे भी ऐसे नहीं कर पाइएगा। ओके, तो ये लॉन्चर ज़रूर से यूज़ कीजिएगा, इन्फिनिक्स के फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं एंड टेक्नो के भी फ़ोन में। अब रही बात गई इसकी, इसको ऐप को बड़ा कैसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्री फायर बड़ा है तो इसको छोटा करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मिनिमाइज़, इस पर क्लिक कर देंगे ये छोटा हो जाएगा। फिर से इस पर तक प्रेस करेंगे इन लार्ज करके ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और ये ऐप बड़ा हो जाएगा। कोई भी ऐप को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लाइक एमएक्स प्लेयर है, इसको गाइस इन लार्ज करेंगे और ये देख सकते हैं बड़ा हो गया। भाई इसका दशा ही बिगड़ गया। अब दोस्त काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इसमें फ्रंट में फ्लैश देखने को मिलता है नहीं, बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कंट्रोल सेंटर कुछ Xiaomi के जैसा इन्होंने बना दिया, बट स्मूथनेस में पीछे रह गए। बाकी देख लेते हैं कि जो फ्रंट में फ्लैश देखने को मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले इस पर देर तक प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लाइक बैक फ्लैश लाइट, बहुत ही भाई तगड़ा फ्लैश लाइट है। यहाँ पे फ्रंट फ्लैश लाइट भी आपको देखने को मिल जाता है एंड आप चाहें तो आगे और पीछे दोनों की तरफ फ्लैश को इनेबल कर सकते हैं। तो ये भाई काफ़ी कमाल के फीचर्स इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन्स में देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस जो लोग फ्री फायर प्ले करते हैं, फ्री फायर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करना चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पर सबसे मस्त फीचर देखने को मिलता है। मैंने इन्फिनिक्स और टेक्नो के जितने भी फ़ोन्स अभी तक यूज़ किए उन सभी में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। गाइस यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, इस पर देर तक आप प्रेस करेंगे तो इसके सेटिंग चले जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे गाइस आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ से आप रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड कर सकते हैं, यहाँ पे चाहे तो आप साउंड सिर्फ गेम का रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये फीचर गाइस टेक्नो के पहले वाले फ़ोन में कोई में भी नहीं है और इन्फिनिक्स के काफ़ी सारे फ़ोन्स में नहीं है, बट यहाँ पे टेक्नो वाले फाइनली सुन लिए दिल की बात और यहाँ पे ये दे दिए हैं, तो आप अब गेम का भी साउंड सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं गाइस। बाकी दोस्त यहाँ पे आप फ़ोन को थोड़ा और स्मूथ यूज़ करना चाहते हैं तो सेटिंग में आइए, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाइए, यहाँ पे रिफ्रेश रेट आप फुल्ली 90 हर्ट्ज़ पे सेट कर दीजिए। इससे अगर ऑटो स्विच रखेंगे तो ये कहीं वर्क करेगा कहीं नहीं वर्क करेगा, लेकिन 90 हर्ट्ज़ पे सेट कर देंगे तो ये मोस्टली टाइम 90 हर्ट्ज़ पे चलने की फुल्ली कोशिश करेगा दोस्त। एंड गाइस जो लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि नेटवर्क की स्पीड कितनी प्रोवाइड कर रहा है ये फ़ोन, तो सिंपली इसी सेटिंग में आपको नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले, तो सिंपली इसको आप इनेबल कर लीजिएगा। और दोस्त यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का फीचर बताने वाला हूँ, ये आपके डेली लाइफ में काफ़ी वर्क करेगा। जैसे कि इस यहाँ पे हमारा फ़ोन लॉक रहता है और कोई भी चाहता है कि इसका हॉटस्पॉट यूज़ कर ले तो वो ईजिली ऐसे स्लाइड करता है एंड यहाँ से डाटा ओपन करता है, यहाँ से हॉटस्पॉट ओपन कर लेता है। लेकिन गाइस अब से ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ही मस्त इसको लॉक कर सकते हैं। कैसे गाइस, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर में जाएंगे, यहाँ पे गाइस आपको मोर सेटिंग में जाना होगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा स्वाइप डाउन ऑन लॉक स्क्रीन, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर, आप चाहे तो दोनों को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल सेंटर को हाइड करते हैं और अब देखिएगा इस लॉक हो गया फोन हमारा, अब देख सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल वर्क ही नहीं कर रहा है और वहीं पे नोटिफिकेशन अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे। और गाइस अब अगर चाहे कि नोटिफिकेशन को भी ब्लॉक कर दे तो सिंपली इसको भी ऑफ कर दीजिए, अब देखिए गाइस यहाँ पे ना ही नोटिफिकेशन शो होगा ना ही कंट्रोल सेंटर एज यू कैन सी। तो ये बहुत ही कमाल का फीचर है एंड आई थिंक ये आपको जरूर से यूज़ करना चाहिए, कोई भी आपका आप डाटा नहीं चुरा सकता दोस्त। एक गाइस यहाँ पे अगर आप प्राइवेसी को लेकर थोड़ा टेंशन में रहते हैं कि लॉक कैसे लगा दें, ऐप पे कैसे लॉक लगा दें, तो सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से ऐप लॉक क्लिक करके यहाँ पे आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद से आप
ऐप को सिंपली हाइड कर सकते हैं। नीचे गई से अगर आप चाहें फ़ोन को स्क्रीन पर लॉक लगाने का, तो स्क्रीन लॉक सिंपली यहां से चूज़ कर सकते हैं। यहीं पे आपको फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर तीनों ही देखने को मिल जाता है। तो ईजिली गई यहां से आप लॉक लगा सकते हैं। थेफ्ट अलर्ट ओपन कर देंगे तो यहां से गई चार्जिंग में लगाए रहेंगे, अगर कोई चार्ज से आपका फ़ोन निकलता है तो यहां पे ये रिंग करने लगेगा। वैसे ही ईयरफोन के लिए भी, ईयरफोन अगर लगाए रखें और कोई ईयरफोन आपका निकालता है तो वहां पे भी ये रिंग करने लगेगा। तो ये आप इसका चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे गई इसमें आपको एक पावर सेविंग वाला ऑप्शन, एक फीचर बताता हूँ। जैसे कि गई यहाँ पे ऑप्शन एक देखने को मिल जाता है बैटरी लाइफ का। इसमें जाने के बाद गई यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑफ स्लीप। इस पर अगर आप इनेबल इसको कर देते हैं बेसिकली, तो जैसे ही आप फोन को लॉक करेंगे वैसे ही बैकग्राउंड से आपके सभी एप्स निकल जाएंगे। लाइक व्हाट्सअप होता है ना कि डाटा ओपन रहता है, तो व्हाट्सअप फोन लॉक भी रहे तब भी व्हाट्सअप के नोटिफिकेशन वगैरह देखने को आपको मिलते रहते हैं। बट अगर आप इसको इनेबल कर दीजिएगा तो बैकग्राउंड में वो जो व्हाट्सअप है वो आपके डाटा को कंज्यूम नहीं करेगा, तो इससे आपका डाटा भी सेव रहेगा और साथ ही इस यहाँ पे बैटरी जो है वो भी, बैटरी बैकअप भी अच्छा और हो जाएगा। वैसे इसमें 7000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, तो बैटरी का कोई लेकर टेंशन नहीं है। बट आप चाहें तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो है गाइस स्पेशल फंक्शंस में। जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। लाइक मल्टी विंडो करके देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं कैसे ये वर्क करता है, पूरी यहाँ पे डिटेल दी गई है। सो गाइस बेसिकली ये यूज़ करने के लिए कोई भी आप ऐप ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हम यूट्यूब को ओपन कर लेते हैं। ओके, तो गाइस ये हमारा यूट्यूब ओपन हो गया। अब यहाँ पे थ्री फिंगर से आपको ऊपर की तरफ सिंपली स्लाइड करना होगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चला गया है विंडो में। एंड गाइस इसको कहीं पे भी आप रख के यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप एक साथ दो ऐप्स यूज़ कर सकते हैं इजीली, एज यू कैन सी। तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है एंड आई थिंक आपको ये यूज़ करना चाहिए, डेली लाइफ में काफ़ी ये वर्क करेगा। बाकी यहाँ पे हटाने के लिए इसको पता नहीं भाई किधर घुसाएं, इधर जाएगा या इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे चला गया और वो भी गाइस देख सकते हैं हटाने के बाद भी ये छोटा सा विंडो बन गया एंड इस पर फिर से क्लिक करेंगे फिर से आ जाएगा। और पूरा का पूरा हटाने के लिए यहाँ पे कट पे क्लिक कर सकते हैं एंड बड़ा करने के लिए इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो भाई कमाल का फीचर लगा ये मुझे तो। एंड गाइस यहीं पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्पेशल फंक्शन में, मीम फ्यूजन। यहाँ से गाइस आप सिंपली रैम को इनक्रीज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 1GB, 2GB, 3GB तक रैम को आप इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक अभी 1GB इंक्रीज है तो एज यू कैन सी 4+1GB शो कर रहा है, यानी कि 5GB। तो ऐसे आप चाहें तो सेट वर्चुअल रैम पर क्लिक करके आप 3GB तक रैम को इंक्रीज कर सकते हैं इजीली। अब गाइस यहां पे मिलता है आपको स्मार्ट पैनल, ये तो नॉर्मली आप यूज़ कर चुके होंगे क्योंकि गाइस यहां पे आप देर तक ऐसे स्वाइप करके रखेंगे तो यहां पे आ जाता है ये पैनल। तो ये काफ़ी वर्क करता है। यहां पे वॉल्यूम को भी आप ऐड कर सकते हैं, सिंपली यहां पे देर तक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम वाला स्लाइडर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके इनकेस वॉल्यूम बटन्स ख़राब हो जाते हैं ये, तो इसके थ्रू आप इजीली मतलब यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है सोशल टर्बो एंड यहाँ पे गाइस ये बेसिकली व्हाट्सअप में वर्क करेगा ये वॉइस चेंजर। आपको व्हाट्सअप में कॉल करेंगे तो वहाँ पे ऐसे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप वॉइस को चेंज कर सकते हैं व्हाट्सअप में बात करते हुए। साथ में ब्यूटी वीडियो मोड देखने को मिल जाता है, मतलब कि व्हाट्सअप पर वीडियो कॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा चिकना कर देगा। एंड गाइस वॉइस रिकॉर्डर भी देखने को मिल जाता है, अगर व्हाट्सअप पर आप किसी बात कर रहे हैं तो उसके कॉल को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस यहां पे मिलता है स्टिकर मेकर, तो बेसिकली अपने फोटो को क्लिक करके स्टिकर भी बना सकते हैं। पीक मोड देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल कर देंगे तो कोई भी मैसेज वो भेजता है अगर वो डिलीट भी कर देता है तब भी ये सेव करके रखेगा। ये भी गाइस काफ़ी सही ऑप्शन देखने को मिल जाता है, व्हाट्सअप के लिए बहुत ही कमाल का ये फीचर दिए हैं। एंड यहाँ पे फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन देखने को मिल जाता है, कोई भी कॉल नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पे जो फ्लैश है वो ब्लिंक करेगा बेसिकली। यहाँ पे व्हाट्सअप स्टेटस देखने को मिल जाता है, इसको इनेबल कर दीजिएगा तो कोई भी व्हाट्सअप डिलीट कर देगा या चाहे तो आप सिंपली सेव भी कर सकते हैं अपने फाइल में इजिली। तो ये भी गाइस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, बाकी क्लीन व्हाट्सअप का कोई यूज़ नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पे मिलता है ऐप ट्विन करके एंड यहाँ पे आप सिंपली इन जो सपोर्टेबल ऐप्स देखने को मिल रहे हैं इनको आप डुअल बना सकते हैं। लाइक व्हाट्सअप एक है तो आप इसको इनेबल करके डुअल व्हाट्सअप बना सकते हैं सिंपली। वीडियो असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, बेसिकली ये वीडियो प्लेयर में वर्क करेगा। कुछ ऐसे ही पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे जो वीडियो के लिए थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज रहते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे मिलता है माइक्रो इंटेलिजेंस का ऑप्शन एंड यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। क्विक स्टार्ट करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइक यहाँ पे सी बनाएंगे तो कैमरा ओपन होगा। ऐसे ही आप मतलब अपने हिसाब से कोई भी ऐप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा ऐप क्या बनाने पे होम स्क्रीन पे वर्क करे। लाइक यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे हम सी बनाएंगे एंड यहाँ पे गाइस आप देख सकेंगे कि कैमरा ओपन हो गया। तो ये फीचर पहले नहीं था बट यहाँ पे ये
दे दिए हैं, तो ये मतलब आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं कुछ ऐसे, आप यूज़ करके यहाँ पे बहुत सारा दिया है, आप सिंपली सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। दूसरा मिलता है टैपिंग वेक, यहाँ पे डबल टैप करेंगे लाइक लॉक स्क्रीन पे डबल टैप करेंगे तो आपका डिस्प्ले है वो ऑन हो जाएगा, तो ये भी अच्छा फीचर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। म्यूज़िक जेस्टर देखने को मिल जाता है, ऐसे आप करेंगे तो मतलब प्ले होगा पॉज होगा, ऐसा कुछ म्यूज़िक के लिए स्पेशली दिया गया है, ये वर्क नहीं करता है क्योंकि इसका म्यूज़िक प्लेयर अच्छा नहीं है इसके वजह से शायद से। फ्लिप म्यूट देखने को मिल जाता है लाइक कॉल आए और आप सिंपली ऐसे करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, बस ऐसे रख देंगे तो फ़ोन जो है वो साइलेंट मोड पे चला जाएगा, तो ये भी अच्छा है। नेक्स्ट मिलता है टैग स्क्रीनशॉट 3 फिंगर्स, ये तो भाई वर्क करेगा ही, ऐसे बस 3 स्लाइड कीजिएगा और ये सिंपली स्क्रीनशॉट आपका ले लेगा। नेक्स्ट गाइस यहाँ पे मिलता है राइज 2G, ये गाइस अगर आप इनेबल करते हैं तो कॉल आएगा और जैसे ही कान के पास ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मिलता है स्मार्ट स्क्रीन ऑन, फ़ोन ऐसे रखा रहेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा सबसे पहले तो, और गाइस यहाँ पर फ़ोन रखा रहेगा जैसे ही आप उठाएँगे फ़ोन तो ये डिस्प्ले ऑन हो जाएगा, तो ये भी अच्छा फीचर है बट आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। एंसर कॉल विथ जेस्टर नेक्स्ट मिलता है, इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लाइक कॉल आता है और सिंपली 2 फिंगर आप शो करेंगे ऐसे इसके सेंसर्स के पास, कैमरा आई थिंक वर्क करता होगा 20 सेंटीमीटर के अप्रोक्स है, तो यहाँ पे कॉल जो है वो रिसीव हो जाएगा, और कॉल काटना होगा तो सिंपली आप 5 फिंगर ऐसे शो करेंगे तो कॉल ये रिजेक्ट कर देगा, तो ये इसका भी चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब गाइस इसी में एक और कमाल का फीचर देखने को मिल जाता है, वो है कि स्पीक प्रूफ, इसको अगर आप इनेबल करते हैं बेसिकली तो सिंपली आप डिस्प्ले को देख सकते हैं कि ऐसे आप ब्लैक या कर सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया, सिर्फ इतना ही शो हो रहा है, तो आप इसका भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है गाइस अगर आपको यूज़ करना हो तो। बेसिकली ऊपर से भी आई थिंक कि यहाँ पर ऑप्शन दिया रहता है पीक प्रूफ का, आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको मन चाहे। अब गाइस इस फोन में जो है वो हैप्टिक फीडबैक देखने को मिल जाता है लाइक बैक करने पे वाइब्रेट करता है, ऐसे करने पे वाइब्रेट करता है, ये बेसिकली बहुत ही कमाल का फीचर है एंड ये मतलब 20-25 हज़ार के फ़ोन में ही देखने को मिलता है, और इसमें जो लीनियर मोटर का यूज़ किया गया है बेसिकली हार्डवेयर लेवल पे ये देखने को मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं, ये मतलब डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, अगर आप चाहें तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे गाइस यहाँ पे सिंपली आपको इसी सेटिंग में स्पेशल फंक्शन में एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नीचे गाइस आप स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन वाइब्रेट एंड हैप्टिक स्ट्रेंथ, बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा टॉच फीडबैक, सिंपली इसको आप ऑफ कर देंगे तो अब ये गाइस नहीं वाइब्रेट करेगा, तो आप इसको चाहे तो जरूर से यूज़ कर सकते हैं, एंड एक बार अगर आप इसका यूज़ करने लगे तो गाइस फिर से इसको बैक नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही मस्त एक्सपीरियंस यहाँ पर ये प्रोवाइड करता है दोस्त। अब दोस्त यहाँ पे बात करते हैं बैकलाइट इफेक्ट के बारे में, वैसे इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया है कि कैसे ये वर्क करता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग कॉल के लिए कुछ ब्लू में चलेगा, नोटिफिकेशन आएगा तो ग्रीन जलेगा, चार्जिंग में ऑरेंज जलेगा, एंड गेम जो सीन गेम स्पेस जो बेसिकली ऐप ओपन करेंगे तो उसमें लाइट जलता है, गेम स्पेस में अगर डायरेक्ट गेम में एंटर करेंगे तो वहाँ पर ये वर्क नहीं करता है, तो आप इसका चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, इस पर हमने एक ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है तो वो वीडियो आप चेकआउट कर लीजिएगा दोस्त प्लीज़। सो गाइस बेसिकली मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं गेम स्पेस एप्लीकेशन देखने को मिलता है, सिंपली इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो लाइट है वो ब्लिंक होने लगा है, एंड ये गाइस काफ़ी थोड़े सेकंड यानी 1 से 2 सेकंड तक ही ब्लिंक करता है और सिंपली उसके बाद से ब्लिंक करना बंद हो जाता है। वैसे इसके गेम के बारे में गेम फीचर के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इन्फिनिक्स के फ़ोन में आप देखेंगे वैसा ही कुछ देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है। बाकी गाइस यहाँ पे वॉइस चेंजर को लेकर काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट था कि वॉइस चेंजर कैसे आप परफॉर्मेंस देता है, तो उसके बारे में गाइस मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, एंड वॉइस चेंजर का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही देखने को मिल जाता है लेकिन वो वर्क नहीं करता है, अगर आपको जानना हो कि कैसा वर्क करता है तो बेसिकली वो हमारा वीडियो जरूर से आप चेकआउट कीजिए वॉइस चेंजर वाला, वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है, चेक करके बताया कि कैसा परफॉर्मेंस होता है। जहाँ तक बात रही गाइस फ्री फायर फुल डिस्प्ले की, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दिया है, एंड यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्री फायर फुल डिस्प्ले में प्ले नहीं होता है, तो वीडियो चेक कर लीजिए, वहाँ पे मैंने लाइव टिप्स एंड ट्रिक भी यूज़ किया है कि फुल डिस्प्ले कर सकते हैं या नहीं, तो जितने भी टिप्स एंड ट्रिक देखने को मिलते हैं वो सभी मैंने डिटेल में वीडियो में चेक किया है, तो वो वीडियो भी आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्त ये थे सारे काफ़ी कमाल के फीचर्स, तो मतलब फीचर्स तो कमाल के बट UI उतना स्मूथ नहीं लगता है, तो जरूर से आप ये नॉथिंग लॉन्चर को इंस्टॉल करके यूज़ कीजिएगा। तो दोस्त फिलहाल में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।